संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा कर रहे हैं आपको हमारी वीडियो से लाभ मिल रहा होगा, आज नहीं थोड़ी मात्रा में ही सही लेकिन मिल रहा होगा। हम वीडियो को कम बना पाते हैं, ये हमारी ये समस्याएं हैं कुछ। आज हम तर्क भाषा के बारे में देखेंगे। तर्क भाषा में हमने 16 प्रमेय, 16 जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में जाना था। प्रमाण उसमें पहला था। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रमाण है और प्रमेय है इस पर 90% भाग पूरी तर्क भाषा का है। यदि प्रमाण आपको समझ में आ जाता है तो 70% तर्क भाषा का भाग समझ में आ जाता है, और फिर जो 30-20% जो भाग है वो आपका प्रमेय कराया जाता है। बाद बाकी जो भी भाग बचता 10% वो सभी पदार्थों का बचता है। तो प्रमाण से शुरू करेंगे हम, और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि प्रमाण आज के बाद में आपको समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन प्रमाण आज ही खत्म नहीं हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, ये नहीं समझना चाहिए कि प्रमाण खत्म हो। प्रमाण में इतने भाग हो जाते हैं इसमें अंदर कि ये प्रमाण का ही 70% भाग, ऐसे ही नहीं बोल दिया मैंने, प्रमाण में ही सारी चीजें समाविष्ट हो जाती है। तो ये तर्क भाषा है, याद रखना है हमको। तर्क भाषा में प्रमाण को जानेंगे हम, तो हेडिंग डाल लेते हैं, वैसे तो ऊपर भी डाल दी है प्रमाण। प्रमाण है क्या? प्रमाण को हम जानते हैं कि चार प्रकार माने गए हैं तर्क भाषा में, तर्क संग्रह में। दर्शन, सांख्य दर्शन में इसमें तीन माने गए हैं, प्रत्यक्ष, उप अनुमान और आप्तवचन, ये सांख्य दर्शन में माने गए हैं। इसमें जो माने गए हैं वो चार हैं, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, आप्तवचन है और उपमान है। खैर वो प्रमाण के प्रकार हैं। जब तक हम प्रमाण को नहीं जानेंगे प्रमाण है क्या, तब तक हम प्रमाणों के प्रकारों में नहीं जाएंगे। तो इसमें जो बोला गया है, वैसे हमने इसकी परिभाषा पहले से जानी थी, और मैं आपसे फिर एक बार और कहना चाहूँगा, किसी भी चीज का अध्ययन करने से पहले हम उसके क्रम से यदि व्यवस्था दें तो मस्तिष्क की एक व्यवस्था है, वैज्ञानिक रूप से भी हमको जो अस्थाई रूप से याद रहता है वो क्रम से ही याद रहता है। यदि हम जैसे एक उदाहरण के तौर पर जानिए, कमरा है, इसको तो साफ करें तो झाड़ू उठा करके जगह 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 उसको साफ करने लग जाएं, कभी यहाँ साफ कर दे, कभी वहां साफ कर दे, कभी वहां साफ कर दे, तो ऐसे वो कमरा साफ भी नहीं होगा और समय भी पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह से मस्तिष्क की व्यवस्था है, यदि हम किसी विषय का अध्ययन करें तो उसको यदि क्रम से लेकर के अध्ययन करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका जो ज्ञान होगा वो स्थायी होगा और कभी ना भूलने वाला होगा। तो हमने जो प्रमेय, जो प्रमाण बताए, जो पदार्थ बताए थे नवद्रव्य के बारे में, सॉरी 16 पदार्थों के बारे में चर्चा की थी। तर्क भाषा में तर्क संग्रह का ज्ञान आ जाता है, नवद्रव्य उसमें है। तो उसमें हमने बताने का प्रयास किया था कि आपको कंठस्थ करने हैं वो, जो कि तो आ जाते हैं, और उस कंठस्थ के द्वारा ही हम आगे इसमें प्रवेश कर पाएंगे। और मैंने एक चर्चा और करी थी कि जितनी भी आप दर्शन का अध्ययन करते हैं उन सभी को लगभग कंठस्थ करने का प्रयास करें, क्योंकि एक दूसरे से सभी रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। मैं कोशिश करता हूं कि एक दूसरे दर्शन को दूसरे दर्शन में उसका उदाहरण देने का प्रयास करता हूं। तो आज हम प्रमाण को हमने उदाहरण जाना था। जो हमारे इस वीडियो को नई बार देख रहे हैं तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अपने जाकर के इसका पहला वीडियो अवश्य देख लें। प्रथम भाग जो है 16 पदार्थ है, उसके बाद में फिर इसमें प्रवेश कर पाएंगे। तो ये प्रमाण है, इसमें बोला गया था प्रमा करणम प्रमाणम, ये इस पर बोला गया था। यानी कि दो चीज मुख्य हैं, प्रमाण तो ये पुनरावृत्ति है इसकी, प्रमा करणम अर्थात जो प्रमा है उसका कारण प्रमाण कहलाता है। अब यहां प्रमाण अभी भी समझ में नहीं आया कि प्रमाण है क्या। तो प्रमा करणम प्रमा का कारण ये कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए बोला है कि तर्क भाषा अगर आपने सही से अध्ययन कर लिया तो सभी शास्त्रों में आपका प्रवेश सुगम हो जाएगा। इसमें इतनी अच्छे से व्याख्याएं की गई हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। तो मैं प्रमा को ले लिया है तो मैं यही लिखूंगा, जो व्याख्या करते हैं उसको ऐसे लिख लेंगे। प्रमा का बोला गया है यथार्थ अनुभव प्रमा। अब समझ में आ जाएगा, यथार्थ अनुभव को प्रमा बोलते हैं। प्रमाण जो है
प्रमा धातु में लिट प्रत्यय लगने से प्रमाण शब्द बना है, अर्थात प्रमा उसके मुख में है। प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, सीधा सीधा यथार्थ मतलब प्रत्यक्ष, जो भी हो वो अनुभव, अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रमा कहलाता है। अब अनुभव क्या है इसको भी जान लें, फिर हम आगे इस पे चलेंगे। पहले इसको क्लियर करेंगे, साफ करें कि यथार्थ और अनुभव प्रमा है। तो यथार्थ तो हम जानते हैं, यथार्थ और अयथार्थ दो प्रकार की चीजें होती हैं, यथार्थ और दूसरा होता है अयथार्थ। अयथार्थ के तीन भाग होते हैं, संशय, तर्क, विपर्य। संशय के बारे में हमने पहले भी जाना था, इसमें प्रमेय में, इसमें पदार्थ के अंतर्गत ही आता है ये। संशय में बोला गया था एकस्मिन धर्मे धर्मिणी नाना विरुद्ध नाना अर्था विमर्शः, इसमें शब्द आया था विमर्शः, अर्थात विमर्श का मतलब क्या है, ऊहा पोह व्यवस्था बनना। संशय जो है वो विमर्श का मान लीजिए एक तरह से नाम है, किसी व्यक्ति किसी वस्तु को देख करके उसमें मस्तिष्क में द्वंद बन जाना कि ये वस्तु ये है या नहीं है, इस तरह की अवस्था को संशय बोलते हैं। इसमें उदाहरण में बताया था स्थाणु के बारे में कि स्थाणु को दूर से देखने पर या धुंधली अवस्था में धुंध छाई हुई है उसमें देखने पर पता चलता है कि ये पुरुष है या स्थाणु है, इस तरह की जो व्यवस्था बनती है वो संशय के अंतर्गत आती है। तर्क के बारे में बताया था, तर्को अनिष्ट प्रसंग, यानी अनिष्ट का जो प्रसंग है वो तर्क है। मान लीजिए इसका उदाहरण दिया है, कोई व्यक्ति है उसने उदाहरण दिया, दो व्यक्ति घूमने गए पर्वत पर पहाड़ों पर, इसका एक ही उदाहरण देते हैं ज्यादातर, उसी को मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, और भी उदाहरण देख सकते हैं इसमें। तो वहां देख करके एक व्यक्ति ने बोला कि देखिए यहाँ पर धुआं उठ रहा है और यहाँ अग्नि हो सकती है, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं ऐसे कैसे हो जाएगी अग्नि, अग्नि हो ही नहीं सकती। पहले व्यक्ति जानता था, उसे अनुभव था, इस वजह से उसने कहा कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि यहां अग्नि है, लेकिन दूसरे ने इस बात को नकार दिया और उसने अपने तर्क दिए, तो वहां जो तर्क से अनिष्ट की आशंका हो गई, होने के बावजूद ना होना हो गया, वही तर्क कहलाता है। विपर्य क्या होता है, विपर्य भी यही होता है, विपर्य के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे हम। विपर्य का मतलब एक तरह से भ्रम के अंतर्गत ही आता है, जो वस्तु है नहीं है उसको वैसा भास होना, जैसे सीप है, सीप का जब चांद रोशनी में चमकती है तो वो चांदी के जैसे रूप धारण कर लेती है, तो उसको चांदी समझ लेना ही विपर्य कहलाता है। इन तीनों से जो ज्ञान की अवस्था होती है वो यथार्थ ज्ञान होता है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये तीन हैं जिसके कारण से अयथार्थ ज्ञान होता है, तो यहाँ पर इसका कोई औचित्य नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया था। अब हम आगे देखते हैं यथार्थ ज्ञान क्या है। यथार्थ ज्ञान में बोला गया है, यथार्थ इससे हटकर के जो भी ज्ञान है साक्षात एकदम अनुभव होना, वो यथार्थ ज्ञान है। अनुभव क्या है, अनुभव में बोला गया है स्मृति व्यतिरिक्त ज्ञानम। अनुभव क्या है, स्मृति व्यतिरिक्त ज्ञानम। एक एक बात को समझते चलना, क्योंकि यहां आपने प्रमाण को अगर सही से समझ लिया तो तर्क भाषा ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी दर्शन है उसको समझने में आपको ज्यादा समस्या नहीं होगी, कि इसमें शब्द को, शब्द का भंडार, जो दर्शनों में शब्द भंडार चलता है वो उसकी व्यवस्था पूरी कर दी गई है। तो अनुभव में बोला गया है कि स्मृति व्यतिरिक्त ज्ञानम, स्मृति जो है उससे हटकर के जो भी ज्ञान है वो अनुभव है। अब बात आती है कि स्मृति क्या है, क्योंकि स्मृति भी नहीं पता, तो यहां पर हम दूसरा स्थान डाल लेते हैं स्मृति का। बोला गया है ज्ञात विषयम ज्ञानम, ज्ञात विषयम ज्ञानम, अर्थात जो ज्ञात विषय है उसका ज्ञान ही स्मृति है। जैसे मैंने अभी विपर्य के उसमें तर्क में एक उदाहरण दिया था कि पर्वत पर धूम है तो इसका कारण अग्नि है, तो अग्नि का जो ज्ञान हुआ वो स्मृति के कारण हुआ, वो अनुभव के कारण भी होता है, लेकिन वहां स्मृति हुई थी उसको कि मैंने जाकर के स्मरण से सोचा था कि मैंने
रसोईया में, रसोई घर में महानस बोला जाता है इसको, वहां जब भी मैंने अग्नि को देखा तो धुआं को देखा, तो उस स्मृति से ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो वहां पर वो व्यवस्था है। ऐसे ही स्मृति से जो विषय जहां ना हो वहां ज्ञान उत्पन्न होना ही स्मृति कहलाता है। स्मृति संस्कार यानी अनुभव से आती है। अब स्मृति से भिन्न बताया है कि स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है वो अनुभव है। उदाहरण के तौर पर इसमें छोटा सा उदाहरण और ले लेते हैं। बच्चा है, बच्चा की स्मृति कुछ नहीं होती, 5 वर्ष तक बच्चा केवल स्टोर करता है चीजों को, इकट्ठा करता है 5 से 6 वर्ष तक। इसलिए उसको शिक्षा का जो उचित समय बताया गया है वो 5 या 6 वर्ष के बाद ही बताया गया। उससे पहले जो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जबरदस्ती प्रेस करते हैं, दबाव डालते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता नष्ट हो जाती है। और हिंदुस्तान में पहले परंपरा 5 या 6 वर्ष के बाद थी, आज रूस में भी इस समय 6 वर्ष के बाद में ही कक्षा में व्यवस्था होती है उनकी, लेकिन हिंदुस्तान अब वो अपनी परंपरा को भूल करके एक व्यवस्था में चला गया है अलग, खैर वो विषय नहीं है। तो अनुभव क्या है, एक बच्चा है उसकी स्मृति अभी नहीं है, उसको सारे जो भी अनुभव हैं वो यथार्थ अनुभव हैं, उसको अनुभव ही है सीधे, स्मृति नहीं है। अब जैसे बच्चा अग्नि को देख करके उसकी तरफ दौड़ता है, अग्नि को जैसे ही वो स्पर्श करता है तो उसको जल जाता है वो, या गर्म महसूस होती है तो उसको छोड़ देता है। जैसे ही वो जलता है तो उसको अनुभव मिला, अब अनुभव संस्कार का रूप धारण करके स्मृति में चला गया, स्मृति हो गई उसकी, उसको अब भविष्य में कभी उसको अग्नि को देखेगा तो उसके नजदीक यदि जाएगा तो उसको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि इसको स्पर्श करने से जल जाते हैं। तो वहां याद आना, ध्यान आना, यानी कि ज्ञात विषय का ज्ञान, यानी जो ज्ञात है उस विषय का ज्ञान हो जाना ही स्मृति कहलाता है। तो अनुभव क्या है, जिस विषय में तुम नहीं जानते हो उसका ज्ञान होना अनुभव होता है। तो वही बात यहां पर आ रही है, उसी का नाम प्रमा है। तो हमारा उम्मीद है कि प्रमा समझ में आया। तो प्रत्यक्ष प्रमाण वगैरह जो भी दिए गए हैं वो इसमें बात आएगी कि जो भी यथार्थ व्यवस्था है अनुभव की उसके करण को प्रमाण बोला गया है। अब करण क्या है, थोड़ा करण के बारे में जान लेते हैं। मैं कोशिश करता हूं इन चीजों को अच्छे से समझाने की, हालांकि मेरी वीडियो में थोड़ा सा ही सामान मिलता होगा, मटेरियल जिसको बोलते हैं विषय से संबंधित, क्योंकि इकट्ठा करके समझाना मेरी शायद फितरत में नहीं है, जिसको कहते हैं आदत में। इसके लिए मैं बार बार माफी चाहता हूं और समय शायद ही आपका बर्बाद होता हो, लेकिन एक बार देखने के बाद फिर देखने की आवश्यकता नहीं है। और जो शॉर्ट विधि में, संक्षिप्त विधि में आप अध्ययन करेंगे तो उसको कितना भी याद करो बार बार भूल जाएंगे। तो करण क्या है, इसमें हमने व्याकरण के माध्यम से भी जाना है, साधक तमम करणम, तो वही यहाँ व्यवस्था की गई है, सारे चीजें वही हैं, साधक तमम, तृतीय विभक्ति में है ये करणम। अब साधक तमम करणम तो कह दिया, लेकिन साधक तमम के बारे में बोला है प्रकृष्ट कारणम, प्रकृष्ट कारण। साधक शब्द जो है यहां पर वो कारण है, याद रखना साधक क्या है, कारण है। हमने इसका जब व्याकरण पढ़ी थी और तृतीय विभक्ति का अध्ययन कर लेना एक बार, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो उसमें हमने उदाहरण दिए थे कि कोई भी साधक, कोई भी वस्तु जब किसी को कार्य करने के लिए निमित्त के लिए होती है तो वो कारण कहलाती है या करण कहलाती है। उदाहरण दिया था उसमें फल तोड़ने के लिए डंडा है, डंडे से फल तोड़ता है तो डंडा जो हो गया वो करण हो गया, यानी साधक हो गया। तो जैसे ही डंडा फल में मारा जाता है तो क्रिया हो जाती है टूटने की, तो क्रिया का जो साधक होता है, तो साधक जो शब्द बनाया गया है वो करण के लिए है। तो प्रकृष्ट कारणम, किसी भी चीज का जो प्रकृष्ट कारण, अप्रकृष्ट कारण भी सही से समझ में नहीं आता, तो इसके लिए परिभाषिक शब्द बनाए गए, परिभाषा बनाई गई थी व्यापार वद असाधारण कारण, व्यापार वद असाधारण कारण करणम, ठीक है।
असाधारण कारण करणम। तो ये व्यापारवद असाधारण कारण करणम इसके बारे में बोला गया है, व्यापारवद असाधारणम करणम कारणम, ये इसमें बोला गया। अब थोड़ा सा जानकारी लेते चले इसमें भी, जो व्यापार का असाधारण कारण है अर्थात जिस असाधारण कारण एक विशेष रूप से ही मान के चलिए कि उसके बिना पूर्व कार्य हुए ही ना, तो वो करण है। अब उम्मीद है कि ये करण की बात समझ में आ गई होगी। हालांकि व्याकरण की दृष्टि से भी हम करण को जान जाते हैं कि प्रकृष्ट कारण जो सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो कार्य क्रिया को करने में, वो कारण कहलाता है। तो ये कारण की पूरी व्यवस्था थी, करण की व्यवस्था थी। अब बात आती है कारण की, क्योंकि हाँ हमने परमा को भी जान लिया, करण को जान लिया, यथार्थ अनुभव को भी जान लिया, अनुभव स्मृति को जान लिया, इसमें कोई भी चीज बची नहीं है। करण साधकतम, करणम साधकतम को भी जान लिया, अब करण को भी जान लिया। अब इसमें एक चीज और निकल के आती है, कारण। अब कारण पर जब हम चलेंगे तो इसमें कारण हेडिंग बना लेते हैं। अब कारण पर पूरी व्यवस्था चलेगी, क्योंकि इसमें कारण में ही सब व्यवस्था आ रही है, और कारण का भाग इतना विस्तृत हो जाता है कि उसको 2 से 3 वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो आपकी समझ में आ जाए। कारण के बारे में बोला गया है, यत् यत् कार्यात् यत् कार्यात् पूर्व भागो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च कारणम्। यत् पूर्व कार्यात् पूर्व भावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्च कारणम्। अब कारण को याद करना, सांख्यकार का यदि आपने अध्ययन किया है और नहीं किया तो भविष्य में करेंगे, वैसे उम्मीद है कि आपने सबने सांख्यकार का बड़े अच्छे से अध्ययन किया होगा। उसमें कार्य और कारण की व्यवस्था दी गई है। यहां से व्यवस्था देखिए आप, वहां जो दी गई है कार्य और कारण, दो ही चीज है उसमें। कारण से कार्य की उत्पत्ति मानी है, यानी कारण भी सत है, सत से सत की उत्पत्ति। सत का मतलब विद्यमान होता है, वहां याद रखना। कभी मौका मिला सांख्य कार्यकाल को भी समझाने का प्रयास करेंगे, और हमारा समय तो देर लगेगा ये उम्मीद है कि, लेकिन आगे आने वाले जो बच्चे हैं, जो हमारी अगली पीढ़ी है, वो उनको थोड़ा सा लाभ इससे मिल सके, ये हमारा प्रयास है। वर्तमान में अध्ययन करने वालों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। तो यहाँ पर कारण और कार्य, तो यहाँ पर कारण अब समझ आ जाएगा कि कारण है क्या। वहां समझाते समझाते दिमाग में एक पक्षा ज्यादा कि है क्या कारण। कारण हमको समझ में आ गया, कारण जो सहायक होता है किसी कार्य को करने में। लेकिन कारण क्या है, यत् कार्यात् पूर्व भावो, कार्य से पूर्व, जो कार्य से पूर्व हो, कार्य से, ठीक है ना, कार्य से जो पूर्व हो, और कहता हो नियत, नियत हो। नियत का मतलब क्या होता, अवश्यम भावी, अवश्यम भावी, अर्थात उसकी उपस्थिति निश्चित हो, निश्चित में नियत हो, अवश्यम भावी हो, अवश्य रूप से वो रहता हो कार्य से पूर्व। और दूसरी चीज में बोलेगी है चास लगा करके, और अनन्यथा सिद्धम, अनन्यथा सिद्ध, अनन्यथा सिद्ध हो। दो चीजें इसमें हो गई, एक तो कार्य से पूर्व अवश्य संभावी हो, जैसे यहां पर बताते हैं कि प्रकृति मूल कारण है, बाकी सब कार्य है। लेकिन उसमें भी प्रकृति विकृति बन जाती है, मूल प्रकृति तो प्रकृति है, लेकिन मूल से महत्त्व की उत्पत्ति होती है, महत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से फिर सारे षोडश षोडश पदार्थों की उत्पत्ति होती है। तो वो महत्त्व जो है मूल प्रकृति से महत्व, देखिए मैं दोनों दर्शनों को लेकर चल रहा हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सांख्यकारी काम है मूल प्रकृति से महत्त्व उत्पन्न हुआ, महत्त्व को बोलता है बुद्धि तत्व, बुद्धि बोला जाता है। प्रकृति से बुद्धि पैदा हुई यानी महत्त्व पैदा हुआ, तो बुद्धि जो है
प्रकृति और विकृति हो गई, कारण और कार्य हो गया। देखिए विकृति कार्य को विकृति भी बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, और कारण को प्रकृति भी बोला गया है। अब यहां प्रकृति जो मूल प्रकृति है उससे बुद्धि तत्व पैदा हुआ, इसको थोड़ा सा देख लें, यहां को मैं यहां समझाने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा आपको। जैसे प्रकृति है, ठीक है, प्रकृति है, उससे प्रकृति से महत तत्व पैदा हुआ या बुद्धि, इसको बुद्धि बोला जाता है, याद रखना आपको, सांकार्य का अध्ययन किया है तो आपको पता ही होगा। और महत तत्व से अहंकार पैदा होता है। अब यहां पर जो ये तो हो गई प्रकृति, प्रकृति का मतलब यहां कारण है, याद रखना, यहां मैं जिस कारण की बात कर रहा हूं, कारण को समझाना मुख्य उद्देश्य यहां पर। तो प्रकृति यहां पर जो कार्य नियत अवश्यंभावी है, यानी प्रकृति निश्चित है उसका होना। फिर बात कर रहे हैं कि अनन्यथा सिद्ध, वो निश्चित ही, अनन्यथा सिद्ध को समझाऊंगा, पहले अवश्यंभावी समझ लीजिए, क्योंकि अनन्यथा सिद्ध को समझना जरूरी है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आपको जब कुछ समझ ना आएगी आप आगे उसमें गति नहीं कर पाएंगे। प्रकृति है कारण, महत तत्व क्या है, बुद्धि। अब यहां पर यह कार्य हो गया, इसको विकृति बोला गया है। हम विकृति रटते रटते पागल हो जाते हैं, लेकिन याद रखना है एक कारण है, एक कार्य है, एक प्रकृति है, एक विकृति है। विकार जिसमें प्रकृति में उत्पन्न हो जाए, विकार का मतलब जैसे सोना है, सोने से आभूषण बनते हैं, तो सोना प्रकृति है, उसके आभूषण विकृति है, या सोना कारण है और कार्य उसके आभूषण है। इसी तरह से यहां अब ये विकृति हो गई, लेकिन अहंकार विकृति है यानी कार्य है, और ये प्रकृति है। प्रकृति किसकी है, बार बार री बन जाता है इसमें, प्रकृति किसकी है, ये अहंकार की, अर्थात कारण है ये। तो दो चीज हो गई, ये कार्य और विकृति भी, कार्य और कारण भी के अंतर्गत आता है महत्व, अर्थात विकृति प्रकृति के अंतर्गत आता है। अहंकार भी विकृति है अर्थात कार्य है, और कारण भी है अर्थात प्रकृति भी है। आगे के जो षोडश पदार्थ उत्पन्न होंगे वो अहंकार से उत्पन्न होंगे। इस तरह से कार्य जो है अपने से पूर्व भावी, कार्य से पूर्व निश्चित ही नियत अवश्यंभावी होता है, वो कारण होता है। दूसरी बात कही है कि अनन्यथा सिद्धश्च, और वो अनन्यथा सिद्ध होता है। अनधन अन्यथा सिद्ध, जो अन्यथा सिद्ध ना हो। अब अन्यथा क्या है कहते हैं, हमने बहुत सुना है कि इस बात को आप अन्यथा में ना लेना, लेकिन अन्यथा है क्या, अब हमको तर्क भाषा के जरिए समझना होगा। अन्यथा सिद्ध का तात्पर्य होता है जब एक वस्तु किसी कार्य को करती है, तब जब वो कार्य पूर्ण हो जाता है तब वो वस्तु फिर दूसरे कार्य को करने में अन्यथा सिद्ध हो जाती है, अर्थात फिर दूसरे कार्य को वो नहीं कर सकती। इसी तरह से जो ऐसी ऐसा पदार्थ हो जो अन्यथा सिद्ध ना हो, उदाहरण के तौर पर मिट्टी ले सकते हैं, मिट्टी से एक घड़ा बना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा घड़ा नहीं बन सकता, था दूसरे घड़ा बन सकते हैं। पट है, पट बने, पट किससे बने, तंतु से, तो तंतु से एक पट बना ये जरूरी नहीं है उससे और ना बने। तो अनन्यथा सिद्ध का मतलब है जो औरों जो अन्यथा सिद्ध ना हो, अर्थात दूसरे से भी वो सिद्ध हो। ये दो चीजें इसमें बहुत थी, सही मागी होगी ये उम्मीद है, थोड़ा सा लंबा हो जाती है व्यवस्थाएं। अब हम इसके कारण पे चलते हैं, ये समझाना थोड़ा सा जरूरी था क्योंकि प्रकृति विकृति में ही खो जाते हैं सांख्यार काम है कि आखिर है क्या चीज ये। तो यहां से अगर आप अध्ययन करेंगे सांख्यार का और कोशिश करेंगे हम दो चार बहुत जल्दी से उसकी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विषय बहुत बड़े हैं, हम सभी कोर्स एक साथ नहीं करा सकते। प्रत्यय के लिए भी कुछ कमेंट आए हैं, लेकिन मजबूरी है हमारी, थोड़ी सी चीजें छूट जाती हैं। अनन्यथा सिद्ध हो गया, अब हमारे पास कारण पता चल गया क्योंकि पहले से जो मौजूद, अब दूसरी चीज और बताते हैं। यहाँ तीन चीजें समझ में आ गई होंगी, दो चीज समझ में आ गई होंगी। अब कारण के प्रकार पर पहुंचते हैं कि कारण के प्रकार करते हैं, इसको हटा देते हैं। इसमें अब कुछ नहीं है, आप बार बार उसको पॉज करके देख भी सकते हैं। कारण के
प्रकार। अब कारण के प्रकार के बारे में थोड़ी सी जानते चलें। इसमें बोला गया है त्रिविधम कारणम, कारणम त्रिविधम अर्थात तीन प्रकार के कारण होते हैं। इसमें समवायी असमवायी निमित्त वेधाश्च ऐसे बोला गया है। अर्थात पहले स्थान पर आता है समवायी कारण, दूसरे स्थान पर आता है असमवायी कारण, तीसरे स्थान पर आता है निमित्त कारण। ये कारण के अंतर्गत आते हैं। आज हम सिर्फ, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये, केवल एक ही का अध्ययन कर पाएंगे, समवाय कारण का जान पाएंगे। बाद बाकी जो भी बचेंगे और अगले आन वाले समय हम अध्ययन करेंगे। समवाय कारण के बारे में बोला गया है यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारणम्। सम सही कर रहा था, गलत कर दिया, ये कभी कभी होता है मेरे साथ। यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारणम्। समवाय कारण असमवाय, देखो यहाँ रह गया। मैं दिमाग जो मेरा बहुत तेज चलता, लेकिन लेखनकार का मेरा 2006 के बाद में तो लेखनकार हुआ ही नहीं, और 2010 के बाद में तो ये व्यवस्था ही पूरी डमाडोल हो गई, तो लेखनकार की व्यवस्था छूट गई और अध्ययन भी छूट गया 2006-7-10 के बाद, तो क्योंकि 10 के बाद सिलेक्शन हो गया, फिर उसके बाद में पढ़ने का मतलब ही नहीं है। अब कक्षा इंटर कॉलेज में कौन पढ़ता है इन चीजों को। समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण, यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम्। कारण तीन प्रकार के हैं, अर्थात किसी वस्तु के निर्माण में तीन कारण मौजूद होते हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। आज हम समवायी कारण के बारे में जानेंगे। तो इसमें बोला गया है इत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम् कारणम्। संवेद का वैसे तो मिलन होता है, मिलना होता है, लेकिन संवेद का एक होता है समवाय संबंध। संवेद का एक अर्थ समवाय संबंध भी होता है। अर्थ चलिए एक चीज और बताते चले हैं। संबंध कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है समवाय संबंध, दूसरा होता है संयोग संबंध। ठीक है, संबंध दो प्रकार के हो गए। समवाय संबंध क्या है? समवाय संबंध इसको थोड़ा सा जान लें। अयुत सिद्धो अयुत सिद्धो संबंधा समवाय संबंध, अयुत सिद्धो संबंधा अभी भी समझ में नहीं आया होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसको भी आ युत युत सिद्ध, अब तो समझ में आ गया होगा संबंध। युत सिद्ध का मतलब होता है पृथक, अलग अलग। युत सिद्ध का मतलब क्या होता है? पृथक अर्थात अलग अलग। तो अयुत का मतलब क्या हो गया? जो पृथक ना हो, जो अलग अलग ना हो। तो यहां पर अभी संयोग पे आएंगे, तो यहां पर बोला गया यत संवेद कार्यम उत्पद्यते, अर्थात जिसके मिलने से, अर्थात जो अयुत सिद्ध है, समवाय संबंध है, उस समवाय संबंध से कार्य को उत्पन्न होता है, जो कार्य उत्पन्न होता है उसको समवायीकरण कहते हैं। उदाहरण देंगे तो बड़े अच्छे समझ में आएगा। ये उलझाव वाली चीजें हैं, जब तक इनको दिमाग में क्लियर ना किया जाए
कितना भी पढ़ते रहो ये समझ में आता ही नहीं है। समवाय संबंध समझ में आ गया कि जो पृथक ना हो मिलना हो, उदाहरण के तौर पर पट और तंतु। तंतु और पट जब दोनों होते हैं, जैसे पट बना, तंतु है और पट है, इनमें जो संबंध है वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। अर्थात कैसे एक है, तंतु और पट, तंतु से पट निर्मित हुआ, पट जब तक है जब तक कि तंतुओं का नाश नहीं होता। तंतुओं का यदि नाश हो जाता है तो पट का भी नाश हो जाता है, अर्थात पट आश्रित है तंतुओं पर, इसकी स्वतंत्र कोई भी अवस्था नहीं है, अपने स्वतंत्र रूप से वस्तु नहीं है ये। लेकिन संयोग संबंध क्या होता है, इसमें वस्तु जो होती है वो स्वतंत्र अवस्था में होती है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं होता। जैसे मेज पर पुस्तक रखी हुई है, अब मेज और पुस्तक में कोई भी समवाय संबंध नहीं है, संयोग संबंध है। वहां से मेज हटा ली जाए तो पुस्तक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुस्तक मेज पर आश्रित नहीं है। मेज हो या ना हो पुस्तक होगी, ऐसे ही पुस्तक वहां से हटा ली जाए तो पुस्तक हो या ना हो मेज होगी, ये दोनों ही स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, तो वो संयोग अवस्था में माना जाता है। तंतु और पट के मामले में ऐसा नहीं है, यदि तंतु हैं तो पट होंगे, यदि पट का नाश हो रहा है तो इसका कारण है, पट कार्य का नाश हो रहा है तो कारण में तंतु नाश हो रहे हैं, कार्य और कारण, याद रखना तंतु हमेशा कारण है और पट कार्य है। अब समझ में आ जाएगा ये चीजें, वो हमने जो समझे थे कारण और कार्य, यहां पर जो पट है वो कार्य है और तंतु जो है कारण है, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर यदि कार्य का नाश हो रहा है तो कारण हो गया तंतु, तंतु कारण हो गया, पट का नाश होना तंतु हो गया कारण, ये पूर्व में होगा, ये हमेशा याद रखना, जो भी कार्य होगा वो कार्य से पहले कारण होगा। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा, संयोग संबंध और समवाय संबंध। संयोग स्वतंत्र अवस्था में प्रत्येक वस्तु होती है, ये किसी पर आश्रित नहीं होती, समवाय में एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आश्रित होती है, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि समवाय संबंध कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहां पर यही तो बात आ जाती है कि एक में से एक प्रकार निकलता रहता है, यही अर्थ संग्रह के साथ भी है। अब हम अर्थ संग्रह का भी अध्ययन करेंगे तो उसमें भी देखेंगे, हमने दो शायद वीडियो देख ली है उसकी, अब हम वेद के बारे में चर्चा करेंगे, वेद के पांच भाग होते हैं, फिर पांच भागों के कितने भाग हो जाते हैं ये चर्चा करेंगे, उसमें भी विधि है मुख्य, बाकी सब फिर बहुत ही छोटे रूप में मौजूद है। तो समवाय संबंध नंबर एक इसमें आता है, समवाय संबंध में अवयव अवयवी, दूसरे स्थान पर आता है गुण और गुणी, इनके उदाहरण बहुत आते हैं, आप 10 साल तक के पेपर उठा के देखेंगे, मैं 10 साल तक के पेपर बोलता हूं, कारण उसका हो सकता है किसी वर्ष में वो ना हो उदाहरण। तीसरा क्रिया और क्रियावान, चौथा जाति और व्यक्ति, पांचवा संबंध होता है विशेष और नित्य द्रव्य। ठीक है, नित्य शब्द लगा है द्रव्य से पहले, वो हम चर्चा करेंगे अभी। अवयव और अवयवी संबंध, अब यहां समवाय कारण से चल रहा है, इनके सब उदाहरण समवाय कारण से ही हैं, मैं दो चार उदाहरण और देने का प्रयास करूंगा जो मुझ पे अभी ऐसे ही आते हैं उनको बताता हूं, फिर मैं उदाहरण दे दूंगा उनके, और उनके उदाहरण मान के चलिए ज्यों की तो आ जाते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं अवयव अवयवी का, तंतु पट का समवायीकरण है, अवयवी होता है, अवयवी है यहां पट, और अवयव अवयव का मतलब होता है हिस्सा अंश। जैसे हमारे अवयव कौन कौन से हैं, हाथ अवयव है, नाक है, कान है, आंख है,
और गला है, शरीर है, अलग 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 हिस्से बांट लिए जाए तो वो अवयव कहलाते हैं। संपूर्ण अवयवों को जोड़ने से जो बनता है वो अवयवी, यानी अर्थात मैं अवयवी हूं। तो यहां अवयव क्या है? अंश, भाव, उससे पट का निर्माण हुआ। तो अंश यानी भाग से समवाय कारण से, समवाय कारण से पट का निर्माण हुआ। तो याद रखना है, पट का नाश यदि होता है, ये कार है, इसको याद रखना है हमको, और ये कारण है। पट नाश होता है तो उससे पहले पूर्व में कारण का यानी तंतु का नाश हो जाएगा, ये निश्चित है। तंतु नाश कार्य होता है, उसका जो कारण होता है, कार्य एक स्वयं का कारण है ये, तो इससे भी पट का भी नाश हो जाएगा। इसमें एक दूसरे से आश्रित है। पट को, जैसे ये कपड़ा, ये पट है, ठीक है ना, पट मतलब कपड़ा। अब ये कुर्ता अगर फटेगा तो एक साथ लुप्त नहीं हो जाएगा, इसके धागे एक एक करके गलेंगे। धागे मतलब तंतु, धागे एक सूत्र, एक सूत एक साथ गलेंगे तो धीमे 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 इसमें छिद्र होंगे, धीमे धीमे इसका नाश होता चला। अर्थात ये बताएगा कि कारण का नाश हो रहा है, अर्थात जो धागे हैं, जो तंतु हैं, उनका नाश हो रहा है, तो ये पट रूपी जो कुर्ता है वो भी नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो कार्य क्या हुआ? कार्य है कुर्ते का नाश, और कारण क्या है? तंतु का नाश। तंतु पूर्व कार्य है और पूर्व में होगा, और जो कुर्ते का नाश होगा वो बाद में होगा। ये उदाहरण है, ये बहुत आता है। गुण और गुणी में चलिए, इसमें बोला जाता है पट रूप, पट रूप बोला, पट, पट रूप। ये उदाहरण नहीं समझ में आता सहज, ये आ समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत सारे लोगों को तो समझ में आ ही जाता है, मैं सारे की नहीं कह रहा हूं। पट और पट रूप, पट क्या है यहां पर? गुण है। पट रूप क्या है? गुण, और गुणी है ये, ठीक है। पट रूप गुण जब ही पैदा हुआ, जैसे ये कुर्ता है, यदि कुर्ता न होता तो लाल रंग भी ना होता। तो याद रखना है, यहां पर गुण होगा, गुणी होगा तो ही गुण होगा। अर्थात यहां पर जो पट है वो पहले होगा तो पट रूप बाद में होगा। तो यहां पर उल्टा हो गया, पट क्या हो गया? यहां कारण हो गया, और ये पट रूप क्या हो गया? कार हो गया। अब पट रूप इनका नाश होता है, तो यानी रूप का नाश हो रहा है, तो याद रखना है हमें, रूप का मतलब यही रंग बिरंगा जो भी है वो याद रखना, रूप। तो रूप का जो नाश होगा तो हमको याद रखना है, तो पट रूपी जो कारण है वो पहले नष्ट हो रहा है, तब रूप का बाद में नाश हो रहा है। तो कार है क्या? पट रूप, और पट है कारण। तो इसमें उल्टा हो गया, यहां पर पटकार था, यहां पट कारण हो गया। यदि मैं गलत भी बता रहा हूं इसमें कहीं ना कहीं, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, ऐसा ना हो कि सभी का नाश हो जाए इसमें पट के चक्कर में। कभी कभी ऐसा होता है कि चीजों को समझाते समझाते भूल जाते हैं। क्रिया और क्रियावान, क्रिया है, क्रिया हमेशा क्रियावान पर आश्रित होती है। जैसे यहां पर पट आश्रित था अपने तंतु पर, पट रूप पट पर आश्रित था, ऐसे ही क्रियावान पर, अवयवी आश्रित था अवयव पर, गुणी आश्रित था गुण पर, क्रियावान आश्रित है क्रिया, ना क्रिया आश्रित है क्रियावान पर, उल्टा है, क्रियावान पर। अर्थात क्रियावान जो भी वस्तु है, यदि वो नष्ट होती है तो क्रिया भी नष्ट हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर पहिए का लेते हैं, पहिया यदि चल रहा है तो पहिया क्रियावान है, यदि उसको रोक दिया जाए तो क्रिया भी नष्ट हो जाएगी। जाति, अब यहां तर्क भाषा का थोड़ा सा उदाहरण लेना पड़ेगा हमें। जाति में, सामान्य में, जाति और व्यक्ति, जाति को सामान्य भी बोला जाता है, ठीक है। तर्क संग्रह में जाकर के आप अध्ययन कर लें, कुछ हमने दो एक वीडियो बनाई हैं और नव द्रव्यों को उसमें समझाने का प्रयास किया है, पदार्थ, नव पदार्थों को, तो वहां पर हमने इसमें सामान्य के बारे में बताया है। तो यहाँ जाति सामान्य से ली गई है। सामान्य का मतलब सभी, जैसे मान लीजिए एक कमरे में घड़े ही घड़े रखे हैं, तो एक घड़ा है, यह घड़ा है, तो घड़ा है सामान्य है वो, तो वो व्यक्त हो रहे हैं घड़े, तो एक घड़ा भी वहां घड़ा व्यक्त हो रहा है, तो वो भी जाति और व्यक्ति के अंतर्गत आएगा।
इसमें एक चीज और है, इसमें कोई चीज नष्ट हो जाए तो दूसरी नष्ट नहीं हो सकती। मान ली 100 घड़े हैं, 100 घड़े में घड़े को फोड़ भी दिया है तो अन्य घड़े तो रहेंगे, इसलिए सामान्य में नष्ट और नाश का यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। विशेष और नित्य द्रव्य, हमने उसमें नवद्रव्य में बताया है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये जो हैं उनमें पृथ्वी जल तेज वायु इनमें परमाणु रूप से वो नित्य होते हैं लेकिन कार्य रूप से वो अनित्य होते हैं। तो नवद्रव्य यहाँ आएंगे लेकिन ये जो हम पृथ्वी, जल, तेज, वायु लिए जाएंगे वो परमाणु रूप के रूप में लिए जाएंगे। उनमें जो विशेष है वो रहता ही रहता है। अब विशेष क्या है? विशेष को हम मानते हैं भेदक पदार्थ। विशेष क्या है? भेदक पदार्थ, अर्थात ये अनंत होता है। यहां जो कुछ भी वस्तु हमें पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देती हैं, अलग दिखाई देती हैं और वो नित्य द्रव्यमय होती हैं, याद रखना, तो वो विशेष के कारण हमें संपूर्ण रूप से अलग दिखाई देती हैं, याद रखना है। विशेष क्या है? भेदक पदार्थ है, जो किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करता है वो कहलाता है। अब इसमें बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं कि पट घड़ा है, घड़ा पट नहीं है, इस तरह से उदाहरण देते रहो, एक उदाहरण से कोई काम नहीं चल रहा है। सभी पदार्थ जो कुछ दिखाई दे आपको नीचे से ऊपर तक आंखों से जो भी देख सकें आप, वो सब विशेष पदार्थ के कारण नित्य नित्य होने से क्या हो जाते हैं? भेदक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये संबंध है, समवाय संबंध के हमने 5 प्रकार जाने और उम्मीद करूंगा कि आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन आप पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करें, कभी कभी चीजें ज्यादा उलझा वाली हो जाती हैं। अगर पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन करेंगे तो ये सहायक हो सकती हैं आपको वीडियो, लेकिन पुस्तकों का विकल्प कुछ भी नहीं है, ये मैं एक बार और बता चुका हूँ। और फिर आपको अध्ययन करने जा रहे हैं आप तो अध्ययन के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ कि पुस्तकों का विकल्प ना कभी पहले था, ना है, ना होगा, पुस्तक पुस्तक ही रहेंगे क्योंकि उसमें हम पूर्ण रूप से संलग्न हो जाते हैं, वीडियो में तो खो जाते हैं हम। तो आज के लिए उम्मीद करूंगा समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही।